Welcome. A very good morning to all, and you all are welcome in Defence Services Junior College at Shahpur. And from today, उसके भी पहले myself, Professor Rupali Thote. And from today, we are going to discuss about the mathematics. ये mathematics की दुनिया में आप सही भी कहा, तहे दिल से स्वागत है. तो आइएगा जानते हैं इसका भी इतिहास और भूगोल. तो सबसे पहले ये जो मैथमेटिक्स जो हमारे रोज के जिंदगी में कहीं ना कहीं पे आ ही जाता है, वो मैथमेटिक्स आया कहाँ से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड मैथमेटिक्स कम्स फ्रॉम द एशियंट ग्रीक एशियंट एंड हैविंग द मीनिंग दैट विच इज लर्न व्हाट वन गेट्स टू नो एंड आल्सो स्टडी एंड द साइंस. तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जहां से उगम हुआ वो चीज ही उतनी सुंदर है बेटा. नाउ सी, मैथमेटिक्स इज द अनशेकन फाउंडेशन ऑफ द साइंसेस एंड द प्लेंटीफुल फाउंटेन ऑफ एडवांटेजेस टू द ह्यूमन. यहाँ पे सोचने वाली चीज अगर कुछ है तो अगर आप गार्डन में घूम रहे और गार्डन में घूमते समय फाउंटेन रहते और वो फाउंटेन की जो बूंदे आती है तो वो जितनी हमें खुशी दे जाती है उतनी ही खुशी साइंस में मैथमेटिक्स से मिलती है. पर उसके लिए आपकी लेने की इच्छा हो, मैथमेटिक्स तो देने के लिए हमेशा तैयार ही बैठा. हर एक वो चीज जो आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करती है वो आपको मिलेगी यहाँ पे. नाउ सी माय डियर चाइल्ड, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बोलू, इट्स नथिंग बट द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट. सबको नचाती है यार, सबको. फिजिक्स को नचाएगी, मैथ्स को तो खुद ही नचा ही रही है. मैथ्स ये क्वीन है, रानी है, महारानी है, उसके अपने खुद के नखरे होंगे. एंड दैट्स व्हाई अच्छे अच्छे को नहीं झेला जाता मैथमेटिक्स. तो व्हाट इज द रीजन अपार्ट फ्रॉम जोक, व्हाट इज द रीजन कि मैथ्स बहुत से बच्चों को अच्छा क्यों नहीं लगता? बिकॉज ये तो महारानी है. एंड व्हेन हम लोग ये कह के उसको नवाज रहे हैं कि मैथ्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो उसके अपने कुछ अलग तरीके होंगे, अलग कुछ अलग अंदाज होंगे. वो फिजिक्स में अपने हिसाब से आएगा, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, एवरीवेयर. सुबह उठते से लेके शाम सोते तक के मैथ्स है यार, सिर्फ पहचानी है मैथ्स को. मैथमेटिक्स, लिसन माय डियर चाइल्ड, मैथमेटिक्स कैन नेवर बी स्टैटिक. ये रुकने वाला नहीं है, ये रुक ही नहीं सकता. ये थम गया तो जिंदगी थम जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स. जैसे सी लिसन, व्हाई यू ऑल आर लिसन, क्योंकि मैथमेटिक्स ने रुकना नहीं है. मैथ्स अगर रुकता है देन होल वर्ल्ड विल बी स्टॉप. और इसी वजह से दिस मैथमेटिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन अवर ऑल ऑफ लाइफ. हमारे जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये. द मैथमेटिक्स, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंस इन द टुडेज लाइफ. इट अनेबल अब ये हमें वो चीज के लिए हमारा कैलिबर बनाता है, हमें ये तैयार करता है. दैट इज इट अनेबल अस टू थिंक रैशनली एंड लॉजिकली. सोचने का पूरा नजरिया ही चेंज करा देता है, ठीक है ना? सिंपल लगता है पर स्मार्ट है यार मैथमेटिक्स. नाउ सी, वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ मैथमेटिक्स विथ मी एंड लेट्स मूव. सी द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज लाइक दिस कि जहां पे प्लस है माइनस है, दुनिया ही बहुत सही है यार, इसकी दुनिया ही बहुत सही है. सोचने वाली बात है एकदम. ये सोचिएगा कि जब हम लोग बच्चे बच्चे थे, अभी भी आप बच्चे ही हो, नो डाउट, इसमें मुझे तो कोई शक ही नहीं, आप अभी भी बच्चे हो. जैसे जैसे आपकी उम्र होते जाएगी, हम लोगों की होते जाएगी, पर टिल द डे आप हमारे लिए बच्चे ही रहोगे. तो ये बच्चे बच्चे वाले इसमें सी, एकदम जब बचपन में रहते हैं वो समय पे द मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये चीजें भी बड़ी डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाती. ये बहुत अच्छी जिंदगी है. सी माय डियर्स, टीचर ने सिखाया होगा 3 1 3 3 3 9 3 5 15, बीच का कुछ मैंने खा लिया
और उसको एग्जाम्पल देने के लिए यस पेंसिल किसको कैसे लेके जा सकते उसको ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म इज अ प्लेंटिफुल। बहुत ही आपको आनंद मिलेगा अगर आप मैथ्स को मैथ्स के तरीके से जानो। सी नाइन्थ स्टैंडर्ड प्रमोट हो गए होंगे शायद, टेंथ स्टैंडर्ड बोर्ड ने तो पास आउट कर ही दिया, पर इस जर्नी में इस पेंडेमिक टाइम में कोरोना की वजह से शायद हम लोग उतना डिटेल में मैथ्स नहीं पढ़ चुके अगर हम लोग स्कूल में गए रहते तो पढ़ा रहे, ठीक है ना। पर क्या हम लोग ऐसे बोल सकते इसके बावजूद कि दिस ऑल थिंग्स आर अनोन फॉर अस? नो, नेवर। क्यों नहीं है? क्योंकि सी प्रोटेक्टर नाम तो सुना ही होगा। एंगल मेजर करने के लिए वन ऑफ द इनिशियल रे टर्मिनल रे पाइथागोरस जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया था, इन सब चीजों को हमें अभी आगे लेके जाना, इन सब चीजों के साथ हमें आगे चलना ही चलना होगा। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट ये क्या है, बचपन से देखते आए यहाँ पे भी मैथ्स का यूज रियली यस। सी ये सब चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए पाइथागोरस का वो थ्योरम जिसको हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज सम ऑफ दैट, ये बंदा है पाइथागोरस, इसने कुछ ऐसा लॉजिक लगा दिया, इसने कुछ ऐसे टर्म्स निकाल लिए कि एवरीवेयर जहां वहां बने राइट एंगल वहां वहां सेटिस्फाई हो पाइथागोरस थ्योरम, अपने ही नाम से खपा दिया उसने। सो दिस पाइथागोरस थ्योरम इज हेल्पफुल फॉर अस एंड रियली माय डियर स्टूडेंट जस्ट लव द मैथ्स। आई आल्सो लव द मैथ्स नो डाउट, तो यू आल्सो जस्ट लव द मैथ्स, क्योंकि क्या होता है एक ह्यूमन साइकोलॉजी, हम लोग अगर सामने वाले से अच्छे बिहेव करें तो सामने वाला भी अपने से वही अच्छा बिहेव ही करता है। सेम लाइक दैट, भले ही लगते समय लगता होगा एक नोटबुक, फिर JEE के अलग से बुक, CET के अलग से बुक, NDA की अलग से बुक्स, तो ये तो निर्जीव है पर जान है उसमें, और वो जान हम लोग डालते हैं। जब तक कि उसको प्यार से सहारोगे नहीं वो प्यारा सा लगेगा नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेनेवर यू वांट टू लर्न द मैथमेटिक्स यू जस्ट लव द मैथ्स। आपको प्यार करने के अलावा यही नहीं है यार, क्योंकि अगर प्यार से इसको नहारोगे तो फन विस मैथ्स आएगा, ऐसे नाचने लगेंगे यार, ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये नाचने लगेंगे, ये नाचते नाचते खिलवाड़ करेंगे, और यही चीजें होती है जो हमें बहुत आगे तक लेके जाती है अ ग्रेट लेवल, कि जहां पे जाने के बाद सी द गर्ल, ये ऐसे मुंह यार बिल्कुल नहीं बनाना आगे मैथ्स का, जब भी वीडियो आए ना ये वाला मुंह तो बनाना ही नहीं है। क्या बताना चाह रही हूं मैं कि डोंट हेट मैथ्स को, क्या इसको गुस्सा दिला के क्या करोगे, मैथ्स के ये नंबर्स रैशनल नंबर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ये सब के बारे में जानना है हमें, जरूरत है हमारी, कहाँ कहाँ पे यूज होता है मैथ्स ये भी जानेंगे, पर उसके लिए ये ऐसा नहीं यार। तो जस्ट लव द मैथ्स एंड बी विथ मी, सोचिए चलिए, चूड बॉस सोच रहा हम भी सोचते, क्या सोचना है हमें कि वाई इज द मैथ्स इंपॉर्टेंट यार, जरूरत क्या है, मंडी में जाएंगे सब्जी मार्केट जाएंगे तो कैन वी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, मेरे को दे तो जल्दी से, क्या ऐसे बोलना है? मम्मी ने अगर कहीं पे भेजा है किसी शॉप में भेजा है तो कैन वी से भैया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 हमको चाहिए, ऐसे बोलोगे? नहीं, ये ऐसे जैसे के वैसे नहीं बोला जाता, फिर भी मैथ्स अपना काम करता ही करता है, बहुत ही निस्वार्थ भाव से ये अपना काम करता है। सी जस्ट टेक द एग्जाम्पल, क्या आपने आज तक कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नाम सुने हैं? क्या आपने कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नाम सुना है? अगर है तो देखिए इस लीनियर इक्वेशन की दास्तां हमारे लाइफ के साथ कैसे बनाते। चलिए
एक वार्ली का सहारा लेते हैं. एवरीवन नोज ना वार्ली पेंटिंग वगैरह. आई एम वेरी पुअर इन द पेंटिंग. देन आल्सो सी एक बड़े से बना लेते हैं हम लोग. नाउ आई जस्ट ड्रॉ फॉर वार्लीज एंड सी यहाँ पे मुझे समझाने का मतलब क्या है. वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ एग्जाम्पल. पापा मम्मी भैया दीदी दैट इज फादर मदर सिस्टर एंड ब्रदर. अभी क्या हो रहा. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रियल लाइफ के साथ कनेक्शन क्या. तो चलिएगा चलते हैं मॉल में. और मॉल में जाके क्या खरीदारी करते हैं कि लेट्स परचेस द टू साड़ी फॉर मम्मी एंड वन शर्ट फॉर पापा एंड जस्ट गिव द रुपीज 1600 या 2000 टू शॉपकीपर. इसको दे दिए. एंड आफ्टर वन ये तो है ही इनकी शॉपिंग में तो बाद में तो करेंगे. फिर मम्मी पापा ने क्या सोचा कि चाचा चाची के लिए भी खरीद लेते. देन अगेन वन साड़ी टू शर्ट्स बाय एट रुपीज 1500. मुझे सिर्फ इतना ही पता है. हैविंग द सेम प्राइजेस नो डाउट हैविंग द सेम प्राइजेस. Now the question is what is the price of shirt and what is the price of sari. So when I am solving such an example, this is nothing but the linear equation in two variable. ये हम लोग रोज यूज करते ना हमको पता. ये शॉपकीपर भैया रोज यूज करते ना उसको पता. और हम आगे क्या बोलूंगा. तो सोचने वाली बात यह है कि वाई डू हैव टू लर्न द मैथ. हमें क्यों पढ़ना है यार मैथमेटिक्स. क्यों क्या जरूरत है मैथमेटिक्स की. तो आइएगा चलते हैं मेरे साथ ये सोचने के लिए क्या कभी रियल लाइफ में मैथ का यूज होता है. मैंने तो अभी आपको एक यूज बता दिया पर क्या इसके अलावा भी रियल लाइफ में कहीं पे मैथ का यूज होता है. ये सोचने के लिए ये बहुत बड़े बड़े सवाल. दिस इज नॉट अ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन. दोज आर द ग्रेट क्वेश्चंस. ये बहुत बड़े सवाल है कि इसका रियल लाइफ के लिए साथ क्या यूज होता है. एंड फॉर दैट पर्पस लेट्स वॉक विथ मी एंड लेट्स फाइंड आउट वेयर द मैथ इज यूज्ड इन अवर रियल लाइफ. तो चलिएगा. क्या ग्राउंड दिख रहा. Now what about the sports? Sports के बारे में क्या सवाल है. स्पोर्ट्स में क्या कहीं पे मैथ्स का लेना देना. बोलना मैडम किधर स्पोर्ट्स ना किधर मैथ्स. स्पोर्ट में ग्राउंड पे खेलने जाएंगे तो मैथ्स वाला टीचर डांटता. इतना ही मैथ्स का और स्पोर्ट का रिलेशन. मैथ्स के क्लास को अगर बंक करके मैथ्स के क्लास को अगर आपने ऑफ करके ग्राउंड पे अगर खेलने चले गए तो मैथ्स के टीचर डांटेंगे. इसके अलावा स्पोर्ट का और मैथ्स का हमको तो कोई रिश्ता पता नहीं. बोलना इतना ही पता है कि डांटा जाता है. नाउ सी अगर मैंने एक बास्केटबॉल का ग्राउंड ले लिया ठीक है ना. तो एट दैट टाइम ये ग्राउंड बनाते समय सी अ वेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर पिक्चर इज हियर. ये ग्राउंड में कहाँ कहाँ पे मैथ्स नहीं है. सर्कल बना मैथ्स की देन. सेमी सर्कल बना मैथ्स की देन. स्क्वेयर दिख रहे मैथ्स की देन. रेक्टेंगल मैथ्स. इवन दो डॉट अ फाइन डॉट जिसको पॉइंट कहा जाता है देन आल्सो मैथ्स की देन. सो अगर देखिए अभी ये एक ग्राउंड आ गया बास्केटबॉल का. दुनिया भर के रेक्टेंगल दिख रहे सर्कल दिख रहे और इन्हीं सभी चीजों को यूज करके बनता है स्पोर्ट का ग्राउंड. यानी स्पोर्ट के ग्राउंड के लिए बेसिकली कहा जाना होगा तो हमें मैथ्स के पास ही जाना होगा और इसीलिए मैथ्स को पढ़ना जरूर है. लेट्स सी कि अगर व्हाट्स अबाउट द शॉपिंग. शॉपिंग करते समय मैथ्स की हमको क्या करना है. हमको बोलना जाना है खरीदारी करना है खत्म कहानी. बिल पे करना है वापस घर आना है. इज देयर एनी रिलेशन. यस माय डियर. और क्या रिश्ता कैसे निभाना. ये सब चीजों को जानने के लिए जरूरी है कि आने वाले हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें. सी व्हाट्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन. हमने कभी नहीं सोचा था. बिलीव मी आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कभी मैथ्स का यूज होता है. यस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली अगर कोई रोल प्ले करती है तो दैट इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्री. ये रोल प्ले करती है यार यहाँ पे. समझिए ये चीज को. कंस्ट्रक्शन भी मैथ्स के बिना नहीं. तो ये सब चीजें पिज्जा मुंह को आधे लोगों के पानी आ गया.
पिज्जा का और मैस का क्या रिलेशन? बहुत बड़ा रिलेशन। जैसे ही आपको फर्स्ट डे ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, तो वो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट बताएगा आपको व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस पिज्जा विथ द मैथमेटिक्स। तो वो रिलेशन जानने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम के लिंक को, और आपको बड़े ही शिद्दत के साथ रोज आने वाला वीडियो देखना होगा। तभी तो समझ पाओगे ना कि बीच में प्रोटेक्टर रख के पिज्जा के साथ मैथ्स क्या खेल खेलने वाला। सो माय डियर स्टूडेंट, होप सभी को वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, और सभी लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, और सभी लोग प्रिपेयर हो रहे हैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के लिए। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सम इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स के साथ। पर तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।